क्या आप इस पृथ्वी के बारे में सब कुछ जानते हैं? लोग कहते हैं कि दुनिया बहुत छोटी है, पर क्या आपको पता है इस पूरे दुनिया को घूमने में आपकी जिंदगी भी कम पड़ जाएगी। जी हाँ दोस्तों, हमारी दुनिया बहुत से अजीबोगरीब रहस्यों से भरी पड़ी है। हम इंसानों को हमेशा से इसके बारे में जानने और इनको सुलझाने की जिज्ञासा रही है, और इसी जिज्ञासा के बदौलत हम इंसानों ने बहुत से रहस्यों पर से पर्दा उठा लिया है। पर आज भी ऐसे बहुत सारे रहस्य हैं जिनके बारे में हम अभी तक कुछ भी नहीं जान पाए हैं। जी हाँ, एक ऐसा ही रहस्य है जिसकी गुत्थी हम आज तक नहीं सुलझा पाए हैं। एक ऐसी जगह है जहाँ एक छोटे से छेद में आधी नदी का पानी समा जाता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। लेकिन आज तक किसी को भी ये पता चल नहीं पाया कि आखिर इतना सारा पानी कहाँ चला जाता है। तो आइए बिना देर किए जानते हैं इस अनोखे रहस्य के बारे में। ये जगह अमेरिका में है, जहाँ इस नदी का पानी झरने से होता सीधे उस छेद में जाता है जहाँ से वो पानी सारा का सारा पानी गायब हो जाता है। इस छेद का नाम है द डेविल्स कैटल। जी हाँ, इस छेद को द डेविल्स कैटल के नाम से जाना जाता है। इस छोटे से छेद में आधे नदी का पानी समा जाता है, पर आज तक कोई भी इंसान वैज्ञानिक इस बात का पता नहीं लगा पाए कि आखिर इतना सारा पानी जाता कहाँ है। ये झरना खूबसूरत होने के साथ ही साथ रहस्यों से भी भरा हुआ है। जैसा कि इसका नाम है द डेविल्स कैटल, इसका मतलब होता है शैतान की कड़ाही। इस झरने में पानी ब्रुल नदी से आता है। जंगल में झरने का पानी घुमावदार सरकीले चट्टानी रास्तों से नीचे की ओर गिरता है, और ऊंचाई से गिरते हुए झरने का पानी सीधे छेद में जा गिरता है, और फिर इसके बाद ये कहाँ जाता है किसी को भी नहीं पता। बहुत सारे रिसर्च के बाद भी इसे खोज न पाया गया आज तक। ये एक पहेली ही बनी रह गई कि आखिर इतना सारा पानी जाता कहाँ है। जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइए ताकि हम आपसे फिर दोबारा मिल सकें। थैंक यू।